गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अमनीशा शर्मा। सो आज हम दिखाएंगे कि आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर अपने चेहरे को कैसे साफ कर सकते हैं, आपके चेहरे पर कैसे ग्लो आ सकता है। उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमें गैस पर तवा रखना है और हमें चेक करना है कि वो अच्छे से गर्म हो जाए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा तवा गर्म हो गया है। अब हम इस पर हल्दी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से भुन जाए और हम गैस को सिम कर लेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, ये इतना अच्छा और हेल्दी नुस्खा है। अब हम इसे धीरे धीरे चला लेंगे। मेरी हल्दी अब अच्छे से एकदम भुन गई है। अब गैस को बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने के लिए एक प्लेट पर निकाल लेंगे। हल्दी एकदम हो चुकी है, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैंने इसको एक प्लेट में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। हम इसको 10-15 मिनट छोड़। गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अमनीशा शर्मा। सो आज हम दिखाएंगे कि आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर अपने चेहरे को कैसे साफ कर सकते हैं, आपके चेहरे पर कैसे ग्लो आ सकता है। उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमें गैस पर तवा रखना है और हमें चेक करना है कि वो अच्छे से गर्म हो जाए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा तवा गर्म हो गया है। अब हम इस पर हल्दी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से भुन जाए और हम गैस को सिम कर लेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, ये इतना अच्छा और हेल्दी नुस्खा है। अब हम इसे धीरे धीरे चला लेंगे। मेरी हल्दी अब अच्छे से एकदम भुन गई है। अब गैस को बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने के लिए एक प्लेट पर निकाल लेंगे। हल्दी एकदम हो चुकी है, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैंने इसको एक प्लेट में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। हम इसको 10-15 मिनट छोड़ देंगे ताकि एकदम ठंडी हो जाए। अब मैंने इसको एक कटोरी में ले लिया है और अब मैं इसमें ज़रा सा हनी ऐड कर दूंगी। ये मैंने इसमें हनी ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। इसको मुझे धीरे धीरे अपने फेस पे अप्लाई करना है। मुझे धीरे धीरे इसे मसाज करनी है।